देश में आज हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, सरकार के साथ खड़ा हुआ है कि कोरोना को देश से जल्दी भगाया जाए। सबके सामने बस एक ही चुनौती है, कोरोना को हराना है। लेकिन इन सब के बीच समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस समय भी राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जहर पैदा कर रहे हैं। कुछ ऐसे बयान लगातार सामने आ रहे हैं और उसी कड़ी में एक और बयान आया है अरुंधति राय का। क्या चाहते हैं ये लोग, किस तरह से धर्म के नाम पर इस समय में राजनीति कर रहे हैं, सच में निंदा का विषय है। और इन तमाम बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप इस बयान को जो आया है हाल ही में अरुंधति राय का, किस तरह से लेते हैं, किस तरह से इस समय में जब सब एकजुट होकर सबकी कोशिश है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, इस तरह के बयानबाजी किस तरह से ये इसकी निंदा की जानी चाहिए? देखिए, जिस तरह की बयानबाजी अरुंधति राय कर रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके बयान की घोर निंदा होनी चाहिए और उनके बयान से देश का मुस्लिम समाज पूरी तरह से असहमत है। पहले भी वो अपने बयानों की वजह से भारत को बदनाम कर चुकी है। अभी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 135 करोड़ हिंदुस्तानी को जात धर्म से ऊपर उठकर उसकी चिंता कर रहे हैं, तो अरुंधति राय इस तरह की बयानबाजी कर रही। कोई मुसलमान अपने को असुरक्षित हिंदुस्तान में नहीं समझ रहा, बल्कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। जिस तरह नरेंद्र मोदी एक निगाह एक नजर से देख रहे हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी के खिलाफ सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। तो बहुत ही कड़े शब्दों में शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि सभी मुसलमान एक साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हुए हैं, इस तरह के बयानबाजी की भरकस निंदा करते हैं। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि रमजान का महीना आने वाला है और कोरोना को देखते हुए जो जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है और कितना लॉकडाउन आगे चलता है अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि केसेस के ऊपर डिपेंड होगा। फिलहाल अभी तक तो 3 मई तक का ये लॉकडाउन है, लेकिन आगे क्या सिचुएशन होती है, ऐसे में आप क्या सलाह देंगे कि रमजान का महीना है, लोग बाहर ना निकलें, घरों में ही रहें, जिस तरह से हर किसी को सलाह दी जा रही है कि हर जो भी किसी भी समुदाय का है उसको यही कहा जा रहा है कि एहतियात बरतें, तो आप किस तरह की सलाह और किस तरह से आप चाहेंगे कि हमारे जो लोग हैं वो कोरोना के खतरे को पहचाने और कम से कम बाहर निकलें, घरों में सुरक्षित रहें? जी सर, कोविड-19 का खतरा अभी कमा नहीं है। ऐसे तो सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन किया है, इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पूरा तालमेल करना चाहिए। और कोरोना से जो लड़ाई भारत की हो रही है, इस लड़ाई में पूरे दुनिया में भारत एक मिसाल बना है। उस लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना चाहिए। अभी रमजान का भी महीना आ रहा है, मेरी सबसे अपील है कि रमजान के महीने में भी घर पे ही इबादत करें। जो मुस्लिम भाई हैं वो कहीं मस्जिद जाकर या कहीं अन्य जगह न जाएं, बल्कि घर के अंदर इबादत करें और कोशिश करें कि इस लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो यहाँ पर शाहनवाज हुसैन जी ने रमजान के महीने में लोगों से अपील की है कि जो आने वाला है घरों में ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें और हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। और हम कोरोना को तभी हरा पाएंगे जब हम लॉकडाउन का पालन करेंगे, बहुत ही जरूरी हो तभी बाहर निकलेंगे। शाहनवाज हुसैन जी, जैसा कि हमारी जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, हमारी जो लोग हैं, अधिकारी हैं, काम करना शुरू कर दिया, सभी मंत्री इन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि देश को भी चलाना है। और ऐसे में हाल ही में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया है एफडीआई को लेकर के, सुपरविजन जो करने की बात की है, कैपिंग करने की बात की है, तो आपको लगता है जो डिसीजन है सरकार का किस तरह से देश के हित में है और कितना अच्छा रहेगा ये? देखिए, सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय किया है कि एफडीआई के मामले में सरकार की नजर रहेगी कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कौन लोग कर रहे हैं और क्या मकसद है। इस निर्णय का पूरे देश के अंदर स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री जी को इस निर्णय के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। तो सरकार के इस फैसले की शाहनवाज हुसैन जी ने एक कहा है कि बहुत सराहनीय कदम है। और दोस्तों, आपको बता दें, जिस तरह की चर्चा चल रही है और यही कहा जा रहा है कि जिस तरह का माहौल हो रहा है, ऐसे में देखा यही जा रहा है कि स्पेशली चीन जो है वो दूसरे देशों में जाकर, छोटे जो देश हैं और
कब्जा करना चाह रहा है एक तरह से इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि सब लोगों की मार्केट इस समय डाउन है और ज्यादा से ज्यादा शेयर्स वो खरीद रहा है वहां पे जाकर के, और कोशिश ये है कि जो उनके बड़े बड़े बिजनेस है उसको अपने कब्जे में लिया जाए। शायद इसी बात को मद्देनजर रखे और तमाम तरह की चीजों को देखते हुए सरकार ने ये जो निर्णय लिया है एफडीआई को लेकर के, सुपरविजन होगा, कैपिंग होगी, ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए लिया है। तो शाहनवाजी, आप हमारे न्यूज नशा के कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुल मिलाकर जो चर्चा है उसका जो मकसद यही था, शाहनवाज हुसैन जी का कहने का मकसद यही है कि कोरोना को हम सबको मिलकर सफल बनाना है और ऐसे समय में कम से कम धर्म के नाम पर राजनीति कोई ना करे, इसकी वो भरसक निंदा उन्होंने की है और कहा है कि इस समय हमको एकजुट होकर के, चाहे वो कोई भी हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। तो दोस्तों, आप न्यूज नशा देखते हैं और हमारी कोशिश होती है न्यूज नशा के जरिए आपको तमाम तरह की जो जानकारी है कुछ लोगों से मिलवाएं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, और तमाम तरह की जो अपडेट जानकारी आ रही है इसमें लॉकडाउन के पीरियड में वो आपको दें न्यूज नशा के जरिए। तो आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।